उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुल के तार एक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग किन कारणों के चलते लगी अभी इसका पता नहीं चल सका। पुल के तारी की ये फैक्ट्री स्वदेशी आयुर्वेद के नाम से जानी जाती थी। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद SIT की टीम ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। पुलकित की ये फैक्ट्री वनंतरा रिजॉर्ट से सटी है। इस हत्याकांड में जांच कर रही SIT DIG पी रेणुका देवी के नेतृत्व में बनी है। SIT टीम के मुताबिक वनंतरा रिजॉर्ट में VIP के लिए अलग अलग से प्रेसिडेंशियल स्वीट बुकिंग की व्यवस्था थी, जहां स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि VIP लिस्ट में किस किस के नाम शामिल है। अंकिता हत्याकांड मामले के सामने आने के बाद पिछले महीने की 24 तारीख को स्थानीय लोगों ने पुलकित तारी के रिजॉर्ट के पिछले हिस्से को आग के हवाले किया था। साथ ही लोगों ने BJP विधायक रेणु बिष्ट की कार में तोड़फोड़ भी की थी। दरअसल ये पूरा मामला गढ़वाल जिले का है, जहां वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित तारी और उसके दो साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को नहर में फेंककर हत्या की। मामला 18 सितंबर का है। घटना के बाद पुलकित ने ही अंकिता के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं 24 सितंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चिल्ला शहर से बरामद हुआ।